ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे श्रावण शिव प्रदोष व्रत का मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए, नहीं तो श्रवण करने चाहिए तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में प्यार से लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। दोस्तों, 18 जुलाई 2020 शनिवार को श्रावण मास का पहला प्रदोष व्रत है। श्रावण मास का भगवान शिव का प्रिय महीना और प्रदोष उनकी पूजा का विशेष दिन माना जाता है। इस बार प्रदोष यानी कि त्रयोदशी के साथ साथ शनिवार का आना शनि प्रदोष का विशेष संयोग बना रहा है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस बार श्रावण मास में पहला शनि प्रदोष 18 जुलाई को और दूसरा 1 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। इसमें पहले श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 18 जुलाई को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की शांति एवं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शनि प्रदोष के दिन का अधिक महत्व है। अगर आप भी शनि प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आपको इस विधि पूर्वक से एक मग्न होकर के शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनि प्रदोष पूजन की सरल विधि आइए जान लेते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले को सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म कर लेना चाहिए। उससे निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर लीजिए, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र इसके बाद धारण कीजिए। इसके बाद शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व होने के कारण किसी भी शनि मंदिर में जाकर के शनि पूजन करके उन्हें प्रसन्न कीजिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। कमेंट में भी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तीसरा नियम, शनि व्रत की पूजा शाम 4:30 से शाम को 7 बजे के बीच की जाती है। इसीलिए त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले ही शिव जी का पूजन करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि शाम को दूसरा स्नान करके स्वच्छ सफेद रंग और वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ और शुद्ध कर लें। यानी कि सुबह भी स्नान करना है और शाम में भी स्नान करना है। 5 रंगों से रंगोली बना करके मंडप तैयार कर लीजिए। इसके बाद पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भर करके कुश के आसन पर बैठ जाइए। उसके बाद विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल अर्पित कीजिए। इस दिन निराहार आपको रहना है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके शिव जी का इस तरह से ध्यान कीजिए, बोलिए, हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान पिंगल वर्ण के जटाजुट धारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित त्रिशूल धारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए वरदहस्त रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीष दें। इस तरह से शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना कीजिए। उसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनिए। इसी चैनल पर हमने आपके लिए सुनाया हुआ भी है ये कथा। कथा पढ़ने या सुनने के बाद पूरे घर में हवन की सामग्री का जो हवन करेंगे धुआं जाना चाहिए, ऐसा प्रबंध कीजिए। 21 या फिर 108 बार आप मंत्र बोलते हुए आहुति दीजिए। मंत्र क्या बोलें हवन करते हुए? ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए हवन कीजिए। उसके बाद शिव जी की आरती करके आप उठ जाइए। उसके बाद भोजन कीजिए प्रसाद बांट करके। ध्यान रखिए कि भोजन में केवल मीठी चीज़ों का ही उपयोग कीजिए। अगर घर पर यह पूजन संभव न हो तो व्रतधारी शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं। आइए प्रदोष व्रत के मंत्रों को जान लीजिए। शिव जी की मूल मंत्र को सबसे पहले समझिए, ओम नमः शिवाय। साधारण है पर बहुत ही इफेक्टिव है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र जान लीजिए,
ॐ तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर श्रवण मात्र से भी सावन के महीने में प्रदोष के दिन मुक्ति मिलती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर इस मंत्र का श्रवण कीजिए। शनि प्रदोष व्रत पूजन के शुभ मुहूर्त को जान लीजिए। शनि प्रदोष व्रत पूजन हमेशा ही सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने का विधान है, तो उसके बाद ही कीजिए। इस बार शनि प्रदोष पूजन मुहूर्त का सर्वोत्तम समय प्रदोष काल में आपको 7:28 से शुरू होकर 9:30 तक रहेगा शाम में। इसलिए इस समयावधि में पूजन करना अति उत्तम रहेगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो अगर शनि प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इसी समय पर कीजिए, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जीवन खुशियों से भर जाएगा, शनि देव और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह आज की वीडियो रही, उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो हम हर रोज लेकर के आते हैं, तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में लिखें ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव।